आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, कई चीजों के दाम बढ़े हैं। इसमें खाद्य तेल भी शामिल है। दोनों देशों के बीच युद्ध होने से दुनिया भर में सूरजमुखी के तेल की सप्लाई बाधित हुई, जिससे इसकी खपत पाम तेल की ओर डाइवर्ट हुई। फिर इंडोनेशिया ने इस पर बैन लगा दिया। ऐसे में भारत, जो कि अपनी 60% खाद्य तेल की आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर है, में सभी खाद्य तेलों में जोरदार उछाल आया। इन तेलों में सरसों तेल भी शामिल है। भारत में इस बार सरसों की फसल का बंपर उत्पादन है, इसके बावजूद भी सरसों तेल और तिलहन के दामों में उछाल कायम है। एक तो FSSAI ने तेल ब्लेंडिंग रोकी है, उससे यह महंगा हुआ है। दूसरा, विदेशी तेलों के महंगा होने के कारण सरसों तेल पर अधिक दबाव पड़ रहा है। सरसों तेल का बड़े पैमाने में रिफाइंड तेल बनाने और सीधा खाने में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे इसकी कीमतों में सुधार हुआ है। सूत्रों के अनुसार घरेलू बाजारों में सरसों और मूंगफली जैसे देशी तेलों से पूर्ति हो रही है, क्योंकि विदेशी तेल बहुत महंगे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आयातित तेलों पर 60%, जबकि घरेलू तेलों पर 40% की निर्भरता है। इसके बावजूद देसी तेल विदेशी तेलों से 15 से 20 रुपये लीटर सस्ते हैं। सरकार को घरेलू स्तर पर तेल तिलहन के उत्पादन को युद्ध स्तर पर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं जानकारों के अनुसार सरसों किसानों को अभी थोड़ा और धैर्य रखने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से मार्केट में तेलों की सप्लाई टाइट है और डिमांड ज़्यादा है, ऐसे में सरसों तिलहन में उछाल आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।